हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जानेंगे। आगे इसी वीडियो में सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि 24 में जनता परिवर्तन चाहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर के ताजा जानकारी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर पोस्टल बैलेट से पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। खबर है कि 80% सरकारी कर्मचारियों ने इंडिया को किया है वोट, ये यहां पर खबर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी चुनाव के दौरान ड्यूटी लगती है, इसलिए उनका वोट पहले ही पड़ जाता है। और यहां पर खबर आ रही है कि पहले चरण में जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनके वोट यहां पर पड़ चुके हैं। और ये खबर आ रही है कि 80% सरकारी कर्मचारियों ने इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया है, यानी कि बैलेट पेपर में इंडिया गठबंधन पहले ही चरण में आगे निकल चुका है एनडीए से, जो कि बीजेपी के नेतृत्व में बना हुआ है। यानी कि दोस्तों, देख सकते हैं कि राहुल गांधी से लेकर के जितने भी विपक्षी नेता हैं वो यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है वो उठाते रहे हैं, और उसी मुद्दे पर अब सरकारी कर्मचारी मोदी सरकार के खिलाफ में वोट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मोदी के खिलाफ में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे थे पीएम मोदी, जिसके बाद में ये मामला पहुंच गया है दोस्तों हाई कोर्ट में। बताते चले आप लोगों को, आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांग करके आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जानकारी के लिए आगे बताते चले, लाइव लॉ के मुताबिक यह याचिका आनंद एस जोंधले नाम के एक वकील ने दायर की है, जिन्होंने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी के भाषण का हवाला दिया है अपनी याचिका में। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की है। याचिका में पीएम मोदी को 6 साल की अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक मोदी ने पीलीभीत में कहा था कि मैंने राम मंदिर का निर्माण कराया है, यानी कि खुलेआम पीएम मोदी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। लेकिन दोस्तों, फिर भी चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन अब ये मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट में, और 6 साल के लिए पीएम मोदी पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी याचिका में की गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से, बीजेपी और आरएसएस संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि वे अन्य सभी विचारों को कुचल सकें। ये बयान जारी किया है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। बताते चलें, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ही संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि वे राष्ट्र के बारे में सभी विचारों को कुचल सकें। एक चुनावी अभियान के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि केरल को नागपुर से क्यों शासित किया जाना चाहिए, और कहा कि केरल को उसके शहरों और गांवों से शासित किया जाना चाहिए। ये यहां पर राहुल गांधी ने बात कही है। इसके साथ ही दोस्तों, खबर सामने निकल के आ रही है कर्नाटक से। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के सांसद रैली छोड़ करके भागे हैं। मामला क्या है वो आप लोगों को यहां पर बताते चलें। भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या की जमकर के फजीहत हुई है, मंच छोड़ करके भागना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक, बताते चले, नियमिता से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में नुकसान झेलने वाले असंतुष्ट जमाकर्ताओं के विरोध के बाद भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या को बेंगलुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चलें,
यह घटना सहकारी बैंक एसोसिएशन के नेताओं के साथ विचार मंथन सत्र के दौरान हुई है, जहां पर वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर के विरोध किया और तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के सांसद हैं उनको कार्यक्रम छोड़ करके भागना पड़ा है। यानी कि जनता की समस्याएं निपटाने की जगह पर उनकी समस्याओं से पीछा छुड़ा रहे हैं बीजेपी के नेता। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के ये आ रही है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच के मामले पर कांग्रेस पार्टी भड़की है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहना है बताते चलें। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने तमिलनाडु के नीलगिरी में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। इस पर दिल्ली में कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबके हेलीकॉप्टर की जांच कीजिए, सिर्फ विपक्षी नेताओं के ही क्यों। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को भी चेक करे। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जिसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है, हमें कोई भी डर नहीं है। आप एक बार नहीं बार बार हेलीकॉप्टर को चेक करिए, लेकिन फिर आपको पूरी तरह से निष्पक्ष काम करना पड़ेगा और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर ऐसे ही चेक करना पड़ेगा जैसे कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया है। ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ममता बनर्जी भड़की है चुनाव आयोग पर। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर लगाया है बीजेपी के लिए कार्य करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी का पक्ष लेने के लिए निर्वाचन आयोग की आलोचना की है और चेतावनी भी दी है कि यदि राज्य में एक भी दंगा हुआ तो वह चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। ये तो पश्चिम बंगाल से दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी जमकर के भड़के हैं बीजेपी पर। अखिलेश यादव ने बताया आखिर क्यों 400 सीटें जीतना चाहती है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बताते चलें, सपा के अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी के नेता 400 पार का नारा दे रहे हैं क्योंकि वे संविधान में संशोधन करना चाहते हैं और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये बयान जारी किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में पार्टी उम्मीदवार हरेंद्र मलिक के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर के प्रहार किया है। उन्होंने चुनावी बॉन्ड को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखा करके बड़ी रकम की वसूली की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई और आईटी के द्वारा छापेमारी करवाती है और छोड़ने के लिए धन उगाही करती है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव जमकर के भड़के हैं दोस्तों बीजेपी पर। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।